प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि पाकिस्तान से लेके भारत पे जो शांति दूत रह रहे हैं उनकी भी सच्चाई आपके सामने लाएंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। आज देखो पाकिस्तान में जब 23.7% माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं तो आप एक दूसरे को मार रहे हो। किसी को शिया के नाम पे मार रहे हो, किसी को वहाबी के नाम पे मार रहे हो, किसी को यहूदी के नाम पे मार रहे हो, किसी को बरेलवी के नाम पे मार रहे हो। तो पाकिस्तान इस्लामिक देश की एक टेंडेंसी है कि उनको मारना और काटना है, हर हाल में है। भारत में जिस हिसाब से बुरहान ने भारत की शांति को भंग करने की कोशिश की, और कश्मीर में उसने जिहाद को उसने सरेआम किया और नंगा नाच किया बुरहान ने, मैं तो उस ऑफिसर को सैल्यूट करती हूँ जिसकी एक गोली से बुरहान छितड़ा गया और खत्म हो गया और सांसें उसकी बंद हो गई। हालांकि भारत के मुसलमानों ने बुरहान की मौत को शहादत का नाम देने का कोशिश किया। भारत के मुसलमानों ने अफजल गुरु की फांसी पर शर्मिंदगी महसूस करने की कोशिश की। भारत के मुसलमानों ने भारत के टुकड़े करने पर इंशाल्लाह के नारे लगाए। भारत के मुसलमान अजमल कसब के लिए छाती चौड़ी कर करके बहुत उसको बचाने की कोशिश करते रहे, यहां तक कि कांग्रेस की सरकार ने मुसलमान वकील भी दिया अजमल कसब को, कि अजमल कसब के जज्बात को समझ सके। तो अब भारत इस मूड में नहीं है कि आतंकी बलात्कारी और जितने भी नंगा नाच करने वाले हैं, जितने भी खून की नदियां बहाने वाले हैं, जितने भी जेनोसाइड और नरसंहार करने वाले हैं, जितने भी भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार को डेवेस्टेट करने वाले हैं, उसको भारत बर्दाश्त करेगा? कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात आती है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश था, है और रहेगा। हालांकि उस जिन्ना ने इसको पाकिस्तानी इस्लामिक देश बनाया, जो जिन्ना सुअर खाता था, जो जिन्ना लौंडियाबाज था उसने, और जो जिस जिन्ना का परिवार कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं, वो जिन्ना पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाया। अब मैं आपको कुछ रियलिटी से वाबिस्तगी कराती हूँ। मिसेस खान, अब तो आप मिसेस हो चुकी हैं। ऑर्डर ऑफ सेक्स विथ कजन सिस्टर, कुरान सूरा नंबर 33 वर्सेस नंबर 5। सेक्स विथ डॉटर इन लॉ जस्टिफाइड, कुरान सूरा नंबर 33 वर्सेस 36। Keep fighting with all the infidels, मतलब काफिरों के साथ लड़ो, मारो, उनको दबोचो और उनको दर्दनाक मौत दो, आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 सही अल बुखारी, और उसके बाद फिर 8.12, 8.39। अल्लाह supply new and good women to Muslims, अल्लाह ने कहा है, आयत नंबर 66 सूरा नंबर 54। ठीक है, वोमेन इज योर कल्टिवेशन, और तो हम तो खेत है ना, हम तो खेती है, भूलिएगा मत, कुरान सूरा नंबर 2 वर्सेस नंबर 223। आप तो ये सब मानते हैं, आप तो, आपके यहाँ संविधान तो सिर्फ पन्नों पर लिखा हुआ है, आप तो संविधान मानते नहीं है, आप तो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, आप तो संविधान पन्नों पर लिख करके उसको कहीं पर ताक पर रख दिए हैं, आपको तो संविधान से कोई मतलब नहीं है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपको कुरान से भी कोई मतलब नहीं है। अभी 4 आयतें मैं अरबी में पढ़ूंगी, आप मीनिंग नहीं बता पाइएगा। अभी 5 सूरतें मैं पढ़ूंगी और 5 वर्सेस नंबर बोलूंगी, आयत नंबर वर्सेस नंबर बोलने के बावजूद भी आप उस सूरा को नहीं पकड़ पाइएगा। बनी इसराइल के सूरा में साफ लिखा हुआ है, उस आयत को उठा करके पढ़िए, रमजान में तरावी कोई नमाज ही नहीं होती है। हम तमाम अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात के ऊपर 5 वक्त की नमाज जायज है, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 6 वक्त की नमाज जायज थी, ये पाकिस्तानी मुसलमान को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कुरान तो पढ़ा है लेकिन उस कुरान में 72 वर्जिन हूर पढ़ा है, बांदिया और लौंडिया पढ़ा है, उस कुरान में काफिरों को मारने का तरीका पढ़ा है, उस कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ा है कि बुतों को कैसे तोड़ा जाता है, उस कुरान में वायलेंस पढ़ा है, उस कुरान में जंगे बदर पढ़ा है, लेकिन उस कुरान में ह्यूमैनिटी नहीं पढ़ी है, उस कुरान में फर्ज और फराइज नहीं पढ़ाए, उस कुरान में इंसानियत नहीं पढ़ी है, उस कुरान में बीबी खतीजा की सूरत नहीं पढ़ी है, उस कुरान में बीबी आयशा की सूरतें नहीं पढ़ी है, उस कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम की सूरतें नहीं पढ़ी है।
सही बात है, ये एग्री करती हूँ, हाँ मैं एग्री करती हूँ कि पढ़ना और समझने में बहुत फर्क है, लेकिन नाज़िर जी एक चीज मैं आपके सामने ये भी रखूंगी कि जो हमारे मुल्क में नई हुकूमत पाकिस्तान की बनी है, इसमें हमारे रोड शो भी हम करते हैं, तो गवर्नमेंट एक फेज हमें ये दिखाती है कि हम जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिया को बहुत से मैसेजेस भी भेजे, जैसे अभी हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी यही बोल रहा कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बड़ा प्रेशर है, तो इंडिया से हम ट्रेड शुरू करेंगे, और जैसे ही सरहद पार करते हैं इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, तो कश्मीर का मुद्दा उठा के, मतलब कि ये चल क्या रहा है, अवाम को भी धोखे में रखा हुआ है और दुनिया को भी किस तरह उलझा रखा है कि यहाँ चाहती है दोस्ती, वहां पर कहता है कि इंडिया जो है कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, इंडिया फिर पाकिस्तान को कहता है आप दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां तो पहले बंद करो फिर कश्मीर की बात करना, ये दो कंट्रीज के बीच, क्योंकि आप स्पोक पर्सन है, बहुत से चैनल्स पे आप जाती हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पेशे से आप वकील है, तो ये जो सियासत जो चल रही है इसके बारे में आखिर आपका एनालिसिस क्या है, और ये चल क्या रहा है, ये पाकिस्तानी भी हमें देख रहे हैं, इंडियंस भी देख रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये क्या क्या दोगलापन है ये। नहीं, पहले आप मुझे अपने पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि पाकिस्तान भारत से अच्छे रिलेशन करना चाहता है, ये दो शरीफ शरीफ जो शरीफ बिल्कुल भी नहीं है, अपनी बेटी को ही चुमा चाटी करता है मंच पर चढ़ करके, तो ये कैसे करेगा भारत से दोस्ती कैसे करेगा, किन किन चीजों के लिए माफी मांगेगा पाकिस्तान, भारत के टुकड़े किया, अखंड भारत के टुकड़े कर दिया उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, पुलवामा अटैक करवाया था उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, अजमल कसब को भेजा था उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, लश्करे तैयबा और यासिन मलिक को दल्ला बना करके बेनजीर भुट्टो ने हमारे कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया उसके लिए माफी मांगेगा, कश्मीर को दहशतगर्द बनाने का जो स्ट्रैटेजी बेनजीर भुट्टो ने बनाया था उसके लिए माफी मांगेगा, कश्मीरी पंडितों की बेटियों के जो वस्त्र उतारे गए उनके साथ जो बलात्कार हुआ उसके लिए माफी मांगेगा, किन किन चीजों के लिए माफी मांगेगा, क्या या पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनका खून और उनके घर वालों के आंसू क्या हम भूल जाए, हम तो नहीं भूलेंगे, मैं तो नहीं भूलूंगी, कोई भूले तो भूले, मैं तो नहीं भूलने वाली, किन किन चीजों के लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, और आप किससे माफी मांगिएगा, आप फ्रांस से माफी मांगिएगा, आप अमेरिका से माफी मांगिएगा, आप स्वीडन से माफी मांगिएगा, आप स्विट्जरलैंड से माफी मांगिएगा, आप लंदन से माफी मांगिएगा, इवन आप अरब से माफी मांगिएगा, अरब भी तो आपको निचोड़कर फेंक रहा है, अरब भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, ईरान भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, खतर भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, तुर्की भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, अफगानिस्तान तो आपको उंगलियां नहीं दिखा रहा है, आपको बॉम्ब भी दिखा रहा है, आप किससे माफी मांगिएगा, जो अफगानिस्तान के लोग 40 साल से पाकिस्तान में मुहाजिर बन करके बैठे रहे आपने उसको सिटीजनशिप नहीं दिया, आप उसके जमीन जायदाद को हड़प करके उनकी बहु बेटियों के इज्जत को लूट करके आप उनको धक्के मार करके निकालते हैं और आप कहते हैं माफी की बात, किससे माफी मांगिएगा और क्या क्या बात की माफी मांगिएगा, आज जो आपने कहा कि नई सरकार आई है और चेहरा किसका है, वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो नवंबर में 2023 के नवंबर में यासिन मलिक की बेटी को मंच पर खड़ा करके आजादी का नारा लगवा रहा था और मेरे भारत के प्रधानमंत्री को मलाइंग और डिफेम कर रहा था, 12 साल की बच्ची को आतंकी बातें सिखा रहा था बगल में बैठ करके, यासिन मलिक की बेटी को, 12 साल की बच्ची को, और आपको आपको अचानक से एक सपना आता है कि अब तो हमको माफी मांग लेनी चाहिए, देखिए मुसलमान फितरत जिस थाली में खाता है मुसलमान उसी थाली में लुंगी उतार करके हग देता है, ये मुसलमानों की फितरत है, मुसलमान एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा मजहब बना चुका है जिसको टेररिज्म, जिसको रेपिस्ट, जिसको चोर, जिसको चट्टा, जिसको लफंगा, जिसको आवारा यही बोला जाता है, सर भारत क्यों बोलेगा, सर भारत क्यों बोलेगा, चलिए मेरे साथ फ्रांस भी बोलता है मुसलमानों को, आप ब्रिटेन चलिए मेरे साथ, ब्रिटेन भी बोलता है मुसलमानों को, आप अरब चलिए ना मेरे साथ, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो अरब भी गालियां देता है, अरब भी हाथ पकड़ करके अरब से निकाल देता है, क्यों अबू धाबी का ट्रैफिक का सबसे बड़ा ऑफिसर खड़ा होकर के ये कहा कि यहाँ तो दारू पी करके लड़कियों को छेड़ने का काम पाकिस्तान मुसलमानों का है, पाकिस्तान के मुसलमान करते हैं, आप क्यों दारू पीते हैं, हमारे कुरान ने तो इजाजत नहीं दारू पीने का, और पाकिस्तान इस्लामिक देश में
आपके यहाँ तवायफ खाना क्या करता है? आपके यहाँ लड़कियां बेची और खरीदी क्यों जाती हैं? आप तो इस्लामिक देश में हैं, क्या हो रहा है आपके यहाँ? अरे मुसलमानों की एक फितरत है, हिंदू मिले तो उसको काटो, यहूदी मिले तो उसको काटो, क्रिश्चियन मिले तो उसको काटो, पंजाबी मिले तो उसको काटो, सिख मिले तो उसको काटो, और कोई ना मिले तो फिर शिया को काटो, तो फिर यहूदी को काटो, तो फिर देवबंदी को काटो, तो फिर बरेलवी को काटो। आपका काम और मुसलमानों का काम काटना, मारना और बलात्कार करना ही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान में रह रहे शांति दूतों की पोल खोली बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।